सिलेंडर, कौन, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, व्हाट इज दिस? आपको याद है मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था मैं आपको दो शेप्स और बताने वाली हूँ, ये उनमें से एक है। आओ मैं आपको बताती हूँ, कम हियर। आओ दानिश लाओ मुझे दिखाओ, मैं आपको बताती हूँ। देखो एक ये शेप है और एक ये शेप है। इस शेप को हम बोलते हैं पिरामिड, इसको हम बोलते हैं प्रिज्म। पिरामिड एंड प्रिज्म। दानिश आपको ये तो ऑलरेडी पता है कि फेसेस, एजेस और वर्टिसेस क्या क्या होते हैं, याद है आपको? हाँ। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि इसके फेसेस, एजेस और वर्टिसेस काउंट करो तो क्या आप कर पाओगे? तो आप मुझे इसके पहले फेसेस बताओ। 1, 2, 3, 4, 5। वेरी गुड। अब आप एक बात ध्यान दो, जब भी हम फेसेस काउंट करते हैं बिकॉज इतनी सारी शेप्स हम पढ़ते हैं और हम कंफ्यूज ना हो या हम गलत आंसर नहीं करें तो हम एक ऑर्डर में काउंट करेंगे तो हमेशा करेक्ट आंसर आएगा। तो क्या करना चाहिए, पहले टॉप एंड बॉटम को कर लो काउंट 1 एंड 2। क्लियर? अब जो साइड्स वाले फेसेस हैं उनके काउंटिंग कर लेते हैं। तो 1, 2 एंड 3, तो कितने हो गए टोटल? 5। ठीक है। और दूसरी बात इम्पॉर्टेंट, इसके अंदर जो फेसेस हैं सारे कैसे हैं? फ्लैट, फ्लैट फेसेस। तीसरी बात, इसके फेस की यहाँ पे शेप क्या है? रेक्टेंगल। और यहाँ पे शेप क्या है? ट्रायंगल। तो जो टॉप एंड बॉटम है ये देखो और ये देखो, ये ट्रायंगल शेप में है, पर जो साइड वाले फेसेस हैं वो सारे रेक्टेंगल हैं। फेसेस समझ आया? अब अगर मैं आपको बोलूँ कि इसके फेसेस काउंट करो तो आप कर सकते हो? 1, 2, 3, 4। वेरी गुड। तो आपने बिल्कुल ठीक तरीके से काउंटिंग की, पहले अपने सारे साइड के फेसेस काउंट करे फिर अपने बॉटम काउंट किया, तो टोटल हो गए 4। एंड सारे के सारे फेसेस हम देख रहे हैं फ्लैट हैं। लेकिन आप मुझे ये बता सकते हो कि इसके जो फेसेस हैं उनकी शेप क्या है? देखो ट्रायंगल, ट्रायंगल, ट्रायंगल। तो इसमें सारे ही फेसेस कैसे थे? ट्रायंगल। बट इसके अंदर फेसेस कौन से डिजाइन के भी हैं? रेक्टेंगल। ठीक है। और तो इसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि जो पिरामिड होता है वो हमेशा ऊपर से पॉइंटेड होता है और जो प्रिज्म होता है वो ऊपर से फ्लैट होता है। इसी कारण से ये जो आपको डिफरेंस दिख रहा है ना फेसेस के डिज़ाइन में, शेप में, वो है। दानिश अब आप मुझे इसके एजेस काउंट करके बताओगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। वंडरफुल। एक तो मैं आपकी इस बात से बहुत हैप्पी हूँ कि आपका काउंटिंग करने का मेथड बिल्कुल अच्छा हो गया है, कि आपने पहले सारे साइड के एजेस काउंट किए फिर आपने बॉटम के एजेस काउंट किए। सो टोटल देयर आर 6 एजेस। एंड प्रिज्म में कितने एजेस हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। वेरी गुड। 9। सो अगर आपको अब इसको ऐसे याद रखना है अपने अंदर कि आपके सामने ये नहीं भी होंगे, आपके हाथ में भी नहीं है ऐसे ऐसे करने के लिए, तो आप अपनी आईज क्लोज करके बता सकते हो कि प्रिज्म के अंदर कितने एजेस हैं? 9 एजेस। ओके अब आप मुझे इसके वर्टिसेस काउंट करके बताओ। 1, 2, 3, 4। वेरी गुड। एंड इसके वर्टिसेस काउंट करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6। Super impressive. So we have 4 vertices in the pyramid and 6 vertices in the prism. Okay, Danish, अब मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत interesting चीज़ है। करें start? ये मैंने सारे कर दिए एक साथ और ये मैंने कर दिए एक साथ। Okay? ये सारे pyramid हैं, ऊपर से pointed हैं और ये सारे flat हैं, तो ये सारे क्या हैं? Prism हैं। दानिश ये 3 पिरामिड्स हैं, तीनों अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग हैं? क्योंकि इन तीनों को जो बॉटम है, इसका बॉटम ट्रायंगल है शेप में, इसका बॉटम स्क्वायर है शेप में, इसका बॉटम किसी और शेप में है। इसी कारण से ये 3 पिरामिड होने के बावजूद इन तीनों का नाम अलग अलग होगा। जैसे इसका नाम ट्रायंगुलर पिरामिड, इसका नाम स्क्वायर पिरामिड एंड सो ऑन।
ठीक है, तो बॉटम की शेप देखना बहुत ज़रूरी है। देखो अब मैं आपको प्रिज्म में भी दिखाती हूँ, इसके बॉटम में ट्राइंगल है शेप में, इसके बॉटम में स्क्वायर है शेप में, एंड इसका जो बॉटम है वो फाइव साइड्स है ना, पेंटागन है शेप, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये सारे प्रिज्म हैं, बट इनके नाम अलग अलग होंगे। समझ आया आपको? दानिश एक इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी करें। देखो मैं चाहती हूँ कि आपको इतने सारे शेप्स हैं, सबके फेसेस एजेस वर्टिसेस को याद थोड़ी ना करेंगे हम। हम तो चाहते हैं हमें याद रखना ही ना पड़े और हमें बिना याद करे सब कुछ आता हो। तो ये देखने के लिए कि आपको कितना समझ में आया है, एक छोटा सा गेम खेलेंगे, ठीक है। ओके, ये दिया, ये एक पिरामिड है और मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई कि इसका जो बेस है, बॉटम है, वो स्क्वायर है शेप में, बस। अब आप आइज क्लोज करो और बिना इसको हाथ में पकड़े, बिना इसको देखे आप मुझे बताओगे इसमें कितने एजेस हैं। एजेस ओके, एक लास्ट ट्राई, इसके कितने फेसेस हैं? 1, 2, 3, 4, 5 वंडरफुल। दानिश आज मुझे बहुत मज़ा आया आपको पढ़ाने में और आपने बहुत अच्छा किया, थैंक यू सो मच। अब मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि दानिश ने सीखा, उसने किसी शेप्स के एजेस वर्टिसेस एंड फेसेस याद नहीं किए हैं, सिर्फ शेप को समझा है एंड आँख बंद करके भी बता सकता है इसमें कितने क्या हैं। ऐसे ही आपने करना है, अदरवाइज़ तो ये शेप्स बढ़ते जाएंगे, कितना याद रखोगे। अगर आपको लगता है कोई और ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हो मैं आपको पढ़ाऊँ, तो आप कमेंट में लिखो एंड आई विल कम बैक विद दैट टॉपिक एंड हम फिर उसको इकट्ठे पढ़ेंगे एंड हम आपसे बार बार मिलते रहेंगे।